नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर प्रयागराज से है, जहां पर हंडिया टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है। दरअसल एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई और इस दौरान हादसे में चार महिलाओं और एक बच्चे समेत पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि सभी लोग शिवगढ़ सुराम से विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। खबर कानपुर से है, जहां पर कपड़े के कारखाने में भीषण आग लग गई और इस दौरान लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। औरैया जनपद में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आ रही है। दरअसल अपराधियों पर अंकुश लगा पाने में सदर कोतवाल नाकाम साबित हुए। बता दें कि कोतवाली से चंद मीटर की दूरी पर बेखौफ दबंगों ने कानून व्यवस्थाओं को अपनी जेब में रखकर व्यापारी और उसके मुंशी को दुकान में घुसकर पीटा है और गुल्लक से रुपए भी लूटे। बेखौफ दबंगों का जो भागते हुए सीसीटीवी में फुटेज भी सामने आया है। बता दें कि सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के मंदिर समिति की घटना जो है वो बताई जा रही है। वो बैठे थे अपनी दुकान में, खाता वाता कर रहे, दुकान करने के बाद लिखा पड़ी हो रही थी। एकदम सात आठ लोग आए और अल्यूमिनियम जी के लिखा पड़ी कर रहे थे, उनको तो मारने पीटने लगे। हम भी बचाव के लिए गए तो दो तीन चार लोग हमारे चिपट गए। एक आदमी ने गोलक में हाथ मारा, जितने भी रुपया था मैं गोलक लेके चले गए। उन लोगों को हम लोगों ने खदेड़ा भी काफ़ी दूर तक, लेकिन चूंकि जनसंख्या ज़्यादा थी, हम दो तीन लोग थे और आवाज़ लगाई पीछे पीछे तब तक उन लोग भाग गए। तो उनमें से किसी पहचान पाया? अब सब लोग मुँह में रुमाल उमाल बांधे थे, हालांकि आगे वाले कैमरे में फोटो भी आई हैं। कोई मामला नहीं, हम तो बैठे खाते कर रहे थे सर। तो सात आठ करीब आठ दस लड़के आए तो उन्होंने पीछे से एकदम से हमारे सर को पकड़ लिया। तो हम देख भी नहीं पाए कि कौन है क्या है, बाहर खींच ले गए हमें, मारा कूटा और सर 50-55 हज़ार रुपये गोलक में पड़े थे, छीन ले गए। क्या सर? सर एकदम से जब जैसे ही सब लोग भाग गए तो वो एकदम से भाग गए सामने की तरफ। मंडी समिति में एक फल की आड़त है, जिसके ओनर हैं गौरव पोरवाल और उनके पार्टनर हैं पंकज गुप्ता। आज सुबह 10 बजे की घटना वो बता रहे हैं कि जब वो अपने पार्टनर और एक लेबर के साथ दुकान पर बैठ करके हिसाब कर रहे थे, तभी चार पांच लड़के उनकी दुकान पर आए और उनके साथ मारपीट किए तथा उनके गुल्लक में रखे पैसे लेके चले गए। पूरे प्रकरण में तत्काल निजहाई चौकी इंचार्ज को और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को मौके पर भेजा गया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें कुछ लड़के भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लड़कों की पहचान की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई, तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। खबर औरैया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर एक बुजुर्ग ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। बुजुर्ग को छलांग लगाता देख राहगीरों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। वही सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल करने में जुटी है। वही बुजुर्ग के कपड़ों से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। खबर औरैया से है, जहां पर व्यवस्थाओं का और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ने तबादला एक्सप्रेस चलाई। जी हां, दरअसल सीओ सिटी औरैया सुरेंद्र नाथ यादव को अजीतमल की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं अजीतमल सीओ प्रदीप कुमार को औरैया सीओ सिटी की जिम्मेदारी दी गई। निजाई चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक गिरीश चंद्र को अटशू चौकी भेजा गया है, तो वहीं सीओ विधुना के पेशकार उप निरीक्षक सतीश चंद को औरैया सदर की चौकी निजाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार, ओम प्रकाश व देवेंद्र कुमार का भी फेरबदल किया गया है। मामला जनपद औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पातेपुर का है, जहां पर बेखौफ दबंगों के द्वारा दहाड़े पीड़ित के घर में घुसकर गाली गलौज व हवा में लहराते हुए अवैध असलहे से फायरिंग का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए औरैया पुलिस के द्वारा पीड़ित सचिन के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर दबंगों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम पातेपुर के सचिन सिंह ने लिखित तहरीर कोतवाली थाना पर दी है कि उसके गांव के रहने वाले एक राजदीप है और उसके अन्य पांच साथी आज शाम को उसके घर पे आए और पूर्व में हुई बात को लेकर के उसके साथ मारपीट किए और तमंचा लहराते हुए हवा में फायरिंग किए हैं। प्राप्त तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
टीमों का गठन कर गिरफ्तारी के लिए रवाना किया गया है। शीघ्र ही लोगों की गिरफ्तारी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और प्रकरण में सत्यता के आधार पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वही फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद बटेश्वर रोड स्थित आटेपुर पुलिया के समीप उस समय हड़कंप मच गया जब एक 65 वर्षीय व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में लोगों ने बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। सूचना मिलते ही लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता से पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया। वही मामले की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित को फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया है। खबर झांसी से है, जहां पर 24 वर्षीय युवक का अपहरण करने वाले तीन अभियुक्त को गिरफ्तार करके अपहरण को 2 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया गया। बता दें कि दबंगों ने लखनऊ से अपहरण करके झांसी जनपद के थाना पूछ में एक फार्म हाउस में युवक को 4 दिन से बंधक बनाकर रखा हुआ था। कि यहाँ का झांसी जनपद के एक व्यक्ति है, उन्होंने 4.5 लाख रुपया बिहार के कुछ लोगों को प्रोसेसिंग फीस के नाम से दे दिया था कि एक एनजीओ फंडिंग लगभग 10 करोड़ का फंडिंग को लेकर बात हुई के बीच में, जिसमें एक व्यक्ति आशीष करके उस व्यक्ति को ये लोग लखनऊ से अपहरण करके यहाँ झांसी जनपद में थाना पूंछ क्षेत्र में एक फार्म हाउस में 4 दिन बंधक बना के रखकर उनको फूल मारपीट करके उनका परिवार जिनसे संपर्क करके जो पैसा चला गया था उसको पूरा रिकवर करने की कोशिश में लगे हुए थे। जब परिवारजन को अपना बेटे से संपर्क नहीं हो पाया था, वो लोग अपना तरफ से बिहार पुलिस को इन्फॉर्म किया है और वहाँ से जो झांसी जनपद से जो कड़ी है वहाँ तक वो लोग खोजबीन करके आ गए थे। हम लोग हमारा पूरा टीम लगाकर जो किडनैप किया गया था अपहरण था उसको हम लोग सकुशल बरामद कर लिया है और इस घटना में इन्वॉल्व 3 लोग हैं, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और प्रकाश में ये 3 लोग। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर दिवाली के मौके पर पूरा परिवार लक्ष्मी गणेश जी की पूजा पाठ कर रहा था, उसी दौरान घर में पटाखों से आग लग गई। आनन-फानन में पीड़ित ने औराज थाना और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच सके। पीड़ित परिवार ने बताया है कि आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। और पूजा करते करते हमें पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर में आग लगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत लगी होगी, फिर हम तुरंत देख के आए कि प्रचंड रूप में आग जल रही थी और आग लगने से इतना बड़ा नुकसान हुआ। तीनों कमरे में गृहस्थी का सामान, इलेक्ट्रिक सामान, पूरे कपड़े सब इसी में कीमती सामान कपड़े वगैरह रखे थे, तो कम से कम 3.5-4 लाख से कम का नुकसान मेरा नहीं हुआ है। और ये किसी अज्ञात कारण या तो किसी पटाखे की चिंगारी से या किसी से कहीं से रॉकेट वगैरह आ करके ऐसा हुआ है। और पूजा करते करते हमें पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर में आग लगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत लगी होगी, फिर हम तुरंत देख के आए कि प्रचंड रूप में आग जल रही थी और आग लगने से इतना बड़ा नुकसान हुआ। तीनों कमरे में गृहस्थी का सामान, इलेक्ट्रिक सामान, पूरे कपड़े सब इसी में कीमती सामान कपड़े वगैरह रखे थे, तो कम से कम 3.5-4 लाख से कम का नुकसान मेरा नहीं हुआ। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर नेशनल हाईवे 24 कस्बा उचौलिया में बालू से भरा ओवरलोड डंपर पलट गया है। बता दें कि उचौलिया थाना के सामने यह हादसा हुआ, जिसमें एक स्कूटी और ठेलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। वही खबर है कि बालू प्रतिबंधित होने के कारण शाहजहांपुर से माफिया बालू लाकर खीरी में बेचते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। हादसे में एक स्कूटी और ठेलिया जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।